नमस्कार करनाल वासियों, मैं जेसी हरसिमरन वधवा जेसीआई करनाल एजाइल की ओर से आज आप सबको स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त और 26 जनवरी हम अपने भारत के तिरंगा, जो कि हमारी आन बान और शान है, इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दिनों के बाद क्या, जब भी हम सड़कों से गुजरते हैं या कहीं भी जाते हैं, ये तिरंगे या तो पार्क में पड़े होते हैं या किसी कूड़ेदान में पड़े होते हैं। आज टीम एजाइल ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए टीम एजाइल ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 स्टडी किया और उसमें से तीन तरीके हमें पता चले कि हम अपने फ्लैग को किस हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम अपने फ्लैग को बहुत ही प्यार से, सम्मान से फोल्ड करके प्राइवेटली किसी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर प्राइवेटली इसको जला दें। दोस्तों याद रखिए, ये काम हमें बहुत ही प्राइवेटली करना है और इसको साफ सुथरी और बिल्कुल लीगल तरीके से, इसके रूल्स पढ़ने के बाद कैसे इसको फोल्ड करना है और कैसे इसको बर्न करना है, हम इसे जला सकते हैं। इसके अलावा इसके दो तरीके और हैं जो कि हमारी टीम आज आपको बताएगी। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है, अगर हम किसी भी कारण से उस फ्लैग को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर पे रखें उसे, ऑफिस में रखें, लेकिन अगर वो डैमेज हो गया है, रीयूजेबल नहीं है, तो दूसरा तरीका जो हमें अलाउड है वो है कि हम उसको प्राइवेटली एक जगह पे बरी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि उसको हमें एक बायोडिग्रेडेबल बॉक्स में डाल करके, अच्छी तरह फोल्ड करके हमें उसे ज़मीन में बरी कर सकते हैं, ये अलाउड है। ये भी एक तरीका है जिससे हम अपने फ्लैग्स को बड़ी इज्जत से उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी अभी मेरे साथियों से सुना, दो तरीके हैं उनको फ्लैग को डिस्पोज ऑफ करने के। एक तीसरा तरीका और भी है जिसमें आप खुद डिस्पोज ऑफ ना करके कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर लीगली झंडे को एकत्रित करके, फ्लैग्स को एकत्रित करके डिस्पोज ऑफ करती हैं। इसमें क्या है कि आप खुद नहीं कर सकते, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक जिम्मेवार बंदा सबसे फ्लैग इकट्ठे करके उस संस्था को दे और वो मान सम्मान के साथ उसको डिस्पोज ऑफ करे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम सब ने, टीम एजाइल ने आज जिन फ्लैग्स का इस्तेमाल किया है, ये सीड पेपर से बने हुए हैं। दोस्तों, ये उन सीड पेपर से है जिनमें बेसिल सीड और ये बायोडिग्रेडेबल है। आज हम इनको जमीन में बरी करेंगे और इनको रेगुलर पानी देंगे तो इनमें से फूल निकलेंगे। आप प्लास्टिक के नेशनल फ्लैग्स को छोड़ के ये वाले फ्लैग सीड पेपर वाले भी यूज कर सकते हैं ताकि इनको आराम से डिस्पोज ऑफ किया जा सके। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ इन फ्लैग्स को इस पार्क में डिस्पोज ऑफ करने आया हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।